हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर व्हाट्सएप स्टोरीज वाले वीडियो में। एंड मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाले वीडियोस कितने ज्यादा डरावने होते हैं। तो अगर तुम्हें डर लगता है तो अपना दिल पकड़ो। मैं जाने के लिए नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, मेरे को मेरे व्यूज थोड़ी कम कराने हैं। दिल पकड़ो एंड देखो वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लाइक जिस मेन वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ उस चैनल पे जाके और हॉरर स्टोरीज देख सकते हो। एंड बाकी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये सुबह की चैट्स हैं एंड उस साइड सनाया है एंड ये बंदा उसको मैसेज कर रहा है। गुड मॉर्निंग लव, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, आई होप तुम्हें वो पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। रियली, क्या सरप्राइज है बताओ ना। ओ, ये एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आई गेस, एंड मैं इनकी चैट्स पढ़ रहा हूँ। सनाया, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ, कोई डोरबेल बजा रहा है। ओ माई गॉड, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। वो इस बंदे ने इसको फ्लावर्स भेजे हैं। ओके, तुम्हें रोजेस पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि आज का दिन तुम्हें खुश करने से ही स्टार्ट किया जाए। आई लव यू सो मच। भाई मुझे क्यों लग रहा है ये स्टोरी आगे जाके थोड़ी क्रीपी होने वाली है। एंड इस पे सनाया लिखती है, आई लव यू टू, बट मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान नहीं किया। एक्चुअली मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे रिलेशनशिप की एनिवर्सरी आने से पहले अपनी वाइफ को हमारे बारे में बता दोगे। बट इस बंदे की ऑलरेडी वाइफ है एंड इसका ये अफेयर चल रहा है। ओके, ट्विस्ट आया। एंड इस पे ये बंदा लिखता है, आई एम सॉरी सनू, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाए, बट मुझे भी तो सब सोच समझ कर करना था ना, ताकि आगे चलकर मुझे डिवोर्स और मेरे बेटे की कस्टडी पाने में कोई दिक्कत ना हो। भाई गंदा बंदा यार। सनाया, हाँ लेकिन तुमने कहा था ना कि आज का दिन आने से पहले अपनी वाइफ को छोड़ दोगे और सबको मेरे बारे में बता दोगे। एंड उस पे ये लड़का लिखता है, वही तो हमारा सरप्राइज है। एंड उस पे ये सनाया क्वेश्चन मार्क भेज रही है। एंड उसी पर ये बंदा लिखता है, मैंने मेरी वाइफ को हमारे बारे में बता दिया है, यही नहीं डाइवोर्स पेपर्स भी बनवा कर उसे दे दिए हैं। मैं तंग आ गया था उससे अलग हो जाना ही मेरे लिए बेटर है। अब सिर्फ तुम, मैं और ढेर सारी खुशियाँ। भाई स्टोरी अजीब तो हो रही है। ओके बाय, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तुम अपने नेक्स्ट सरप्राइज का वेट करो। आज मैंने अपनी एनिवर्सरी और मेरे डाइवोर्स की खुशी में बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। एंजॉय दिस डे, हार्ट इमोजी। ओके, तो सनाया का मैसेज आता है थोड़े टाइम बाद एक फोटो के साथ, तुमने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग लेकर भेजी। एंड उस पर ये बंदा लिखता है, तुम्हें अच्छी लगी ना। हाँ बहुत, महंगी होगी ना। हाँ एक्सपेंसिव तो है लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी। एंड उस पर ये लड़की लिखती है, तुम्हारी वाइफ तुमसे झगड़ा तो नहीं करेगी ना इसको लेकर। मैं बता रही हूँ इस बार मैं ये रिंग वापस नहीं करूंगी, मुझे याद है जब पिछली बार तुमने मुझे एक्सपेंसिव शूज दिलाए थे वो मुझे वापस करने पड़े थे, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुमसे पूछा कि इतना खर्चा कहाँ हुआ और तुम जवाब नहीं दे पाए। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, इट्स ऑल राइट, आज के बाद सृष्टि को मुझसे झगड़ा करने की कोई वजह नहीं बचेगी, मैंने उसे सब बता दिया है, आज सब कुछ क्लियर हो गया है, आज मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। सनाया, थैंक यू सो मच फॉर रिंग। ओके, अभी शाम का टाइम हो गया है एंड ये बंदा लिखता है, आई एम सॉरी सनू, मुझे अचानक डिनर पर से ऐसे उठकर आना पड़ा, क्या करूं, वर्क इमरजेंसी थी। भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है ये बंदा अपनी बीवी को मार ना दे, पता नहीं मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है, ऐसा हो सकता है, बट देखो एक्चुअल जानने के लिए स्टोरी देखनी पड़ेगी। सनाया, बात मत करो तुम मुझसे, पहले तुमने मुझे डिनर पर बुलाया, अब खुद ही बीच में से उठकर चले गए, और ये घर आखिर है किसका। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, अपना ही समझ लो, मेरे डाइवोर्स के बाद हम यहाँ रह सकते हैं। सनाया, सीरियसली इतने बड़े घर में, मुझे तो लगा कि तुमने आज के स्पेशल डे के लिए ही बुक किया है, क्या सच में हम हमेशा के लिए इस घर में रह सकते हैं। हाँ तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। सनाया, झूठ बोलने में तो तुम एक्सपर्ट हो, एक साल से सृष्टि से तो बोल ही रहे हो ना, हा हा हा। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, सनाया प्लीज उसके बारे में बात नहीं करते हैं ना। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, हाँ लेकिन अब जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं क्या करूं, यहाँ आसपास तो कुछ है भी नहीं, सिर्फ जंगल है, वैसे फ्यूचर में यहाँ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन नौकर चाकर रख लेंगे कंपनी के लिए। लाफिंग इमोजी। भाई मेरे को लग रहा है कुछ खतरनाक होने वाला है, जस्ट वेट करो तुम लोग। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, जैसा तुम चाहो, बाकी अभी तुम डिनर एंजॉय करो, मैं एक घंटे में वापस आ जाऊंगा।
सनाया, हाँ वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। जिस पे ये बंदा लिखता है थैंक्स। ओके, तो आधे घंटे बाद सनाया इस बंदे को मैसेज करती है, आदि कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, प्लीज कॉल उठाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एंड इस पे ये बंदा लिखता है, अरे मैं काम में फंसा हुआ हूँ अपने बॉस के साथ। क्या हुआ? सनाया, घर में कोई घुस आया है, जब मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो मुझे लगा तुम हो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई सर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए खड़ा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। भाई व्हाट, मैंने बोला था यहाँ पे कुछ गलत होगा। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, व्हाट, तुम ठीक तो हो ना, कहाँ हो अभी तुम? मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। सनाया, मैं ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में बेड के नीचे छुपी हूँ। ओ नो, वो जो कोई भी है हर कमरे का दरवाजा खोल खोल कर चेक कर रहा है, कौन है ये? एंड उस पे ये लड़का लिखता है, कोई चोर होगा, तुम पुलिस को कॉल करो। भाई तू आ। सनाया, नहीं मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, उसने मेरी आवाज सुन ली तो। ओ नो, वो इसी कमरे की तरफ आ रहा है, मैं उसके फुटस्टेप सुन सकती हूँ। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, सनाया तुम ठीक तो हो ना, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में क्योंकि घर थोड़ा आउट में है। सनाया, एंड उस पे इस लड़की ने फोटो भेजा हुआ है, लिखा है वो अंदर आ रहा है। भाई शेट, भाई उसके पास कुल्हाड़ी है यार। मेरे को क्या लग रहा है, ये इस आदमी की बीवी है, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट पता नहीं, लेट्स सी क्या है। सनाया, ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा वहां, तुम जहां हो वहीं रहना, बाहर मत आना। किस रूम में हो तुम? आंसर मी प्लीज, क्या हुआ? एंड उस पे सनाया मैसेज करती है, ये इंट्रूडर तुम्हारी वाइफ है, मैंने बोला था। क्या सृष्टि है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है? एंड उस पे सनाया लिखती है, हाँ जब वो कमरे में आई थी तो उसने अपना मास्क नीचे किया था, मैंने उसका चेहरा देखा, तुम्हारी बीवी मुझे मारना चाहती है। भाई ऑब्वियस है यार, वो उसका हस्बैंड है एंड ये बीच में आ रही है तो वो यही तो करेगी ना। एंड इस पे ये लड़का लिखता है, ओ नो, शायद वो बदला लेना चाहती है, उसको लग रहा होगा कि तुम हमारे डाइवोर्स की वजह हो, इसीलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है, तुम जहाँ हो उसी रूम में रुको। किस रूम में हो तुम? एंड उस पे सनाया लिखती है, मैं तो वहाँ से भाग आई हूँ, उसने बेड के नीचे चेक नहीं किया था और कमरे से बाहर निकल गई, वो जैसे ही अगले कमरे में गई मैं उसके पीछे से घर से बाहर भाग गई, लेकिन अब मैं जंगल में हूँ और मुझे नहीं पता कि किस तरफ जाऊँ, बहुत अंधेरा है यहाँ। एंड इसने एक्चुअली फोटो भी भेजी हुई है। भाई सोचो तुम रात के 8:30 बजे एक जंगल में अकेले हो एंड एक दूसरा बंदा है जिसके पास कुल्हाड़ी है और वो तुम्हें मारना चाहता है। शीश भाई। ओके, तो इस पे ये लड़का लिखता है, व्हाट, तुम घर से बाहर आ गई जंगल में, इतनी रात को वहाँ जंगली जानवर होते हैं, वहाँ बहुत खतरा है। एंड उस पे सनाया लिखती है, और घर में तुम्हारी साइकोटिक बीवी है, अगर मैं उसे मिल गई तो वो मुझे मार डालेगी, मैं क्या करूँ, यहाँ जंगल में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं बस पहुँच रहा हूँ। सनाया, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? मैं स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी 15 मिनट तो लगेंगे ही। सनाया, ओ नो, क्या हुआ? अभी अभी एक सांप मेरे पैर से टच होकर निकला, मैंने कहा था ना कि जंगल में बहुत खतरा है, तुम वापस घर में जाओ, वहाँ एक कमरा है। सनाया, वहाँ तुम्हारी पागल बीवी है, आदि मैं क्या करूँ? एंड उस पे ये बंदा लिखता है, तुम मेरी बात सुनो, घर में एक कमरा है जिसका दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक है, वो सिर्फ एक पासकोड से ही खुलता और बंद होता है, तुम उसमें छिप जाना, जब मैं और पुलिस वहाँ आएंगे तब ही बाहर निकलना, पासकोड 100052013। ओके सनाया, ओके मैं जा रही हूँ भाई, बट अब इसको रास्ते में ना मिल जाए वो। एंड अभी ये लड़का लिख रहा है, और संभल कर जाना, अगर उस कमरे में जाने से पहले सृष्टि ने तुम्हें देख लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, बस थोड़ी देर और। ओके सनाया, मैं उस कमरे में आकर छिप गई हूँ। व्हाट, इतनी जल्दी? सृष्टि तो मुझे दिखी ही नहीं, शायद वो मुझे ढूंढते हुए बाहर निकल गई हो। एंड उस पे ये लड़का लिखता है, हाँ फिर भी तुम उस कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। सनाया, ओ नो आदित्य, ये इलेक्ट्रॉनिक गेट तो खुल रहा है, क्या सृष्टि को इसका पासकोड पता है? एंड उस पे ये लड़का लिखता है, अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी अभी मैंने ही उसे बताया है। What? What the hell? मतलब ये लड़का भी इसे मारना चाह रहा है? Shit, भाई ये क्या ट्विस्ट है? भाई ये मैंने नहीं सोचा था यार। सनाया, what? तुमने बताया है? क्यों?
एंड उस पे ये लड़का लिखता है, क्योंकि मैं उसे नहीं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तो कभी उसे तुम्हारे बारे में बताने ही नहीं वाला था, ना आज ना कभी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ और अपने बेटे से करता हूँ। मैं कभी तुम्हारे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो भाई तू उसको मरवा देगा, शिट। सनाया, नो 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 प्लीज आदि प्लीज, ये मुझे मार डालेगी। एंड उस पे ये लड़का लिखता है, पता है मुझे, यही शर्त तो रखी थी उसने मुझे माफ करने की। एक हफ्ते पहले उसने हमारे मैसेजेस पकड़ लिए और मुझे छोड़कर जाने लगी। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे माफ करने के बदले मैं तुम्हारी जान मांगी। भाई कौन सी दुनिया में ये सब हो रहा है, लोग जान मांग रहे हैं। उसने कहा कि अगर मैं उसे ये मौका दूं तो वो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले सके तो वो मुझे माफ कर देगी और मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए मैंने आज का ये सारा ड्रामा किया और तुम्हें यहाँ लाया ताकि वो आसानी से तुम्हें खत्म कर सके। भाई शेट, कितना ऐसा प्लॉट किया है इस बंदे ने उस लड़की को फंसाने के लिए। एंड फिर और लिखता है ये बंदा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बट अगर मेरी इस सृष्टि को मेरी लाइफ में रखने का, अपनी शादी बचाने का यही एक तरीका था तो यही सही। एंड इन सब पे उधर से मैसेज आता है, तुम्हारी सनाया तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए बची नहीं है, वो जा चुकी है हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। भाई उसने मार दिया, अब इसकी बीवी मैसेज कर रही है। भाई शिट। एंड अभी इस पे ये लड़का लिख रहा है, सृष्टि तुम ठीक हो, अब तो तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी ना, अब तो तुम मुझे तुम पर चीट करने के लिए माफ कर दोगी, यू आर माई वन ट्रू लव। भाई इन लोगों ने मिलके उस लड़की को मार दिया है, शेट यार मेरे को बुरा लग रहा है। एंड उस पे इसकी बीवी मैसेज कर रही है, आई नो इसीलिए तो मैं इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम्हें माफ कर रही हूँ, बस एक काम और, इस कचरे को ठिकाने लगाना है और ये तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। भाई वो लाश की बात कर रही है। एंड उस पे ये बंदा लिखता है, ओके तुम निकलो वहाँ से, मैं क्राइम सीन क्लीन करने का सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये लाश कहाँ ठिकाने लगानी है ये भी मैंने प्लान कर लिया है। ये मोबाइल भी तुम वहीं छोड़ देना, इसे भी मैं डिस्पोज कर दूंगा। एंड उस पे इसकी बीवी ओके लिखती है एंड फिर ये आई लव यू भेजता है एंड उधर से आई लव यू टू आता है। एंड अभी कुछ घंटे बाद ये अपनी बीवी को मैसेज कर रहा है, सारा काम हो गया है, सब ठिकाने लगा दिया है मैंने, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। एंड उस पे इसकी बीवी लिखती है, हाँ जानती हूँ सारा काम सही से हुआ है ना, आर यू श्योर कि पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी। एंड उस पे ये लड़का लिखता है, आई एम श्योर पुलिस को ढूंढने पर भी उसके और हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, मैं उससे बात करने के लिए दूसरे मोबाइल का यूज करता था और वो नंबर भी मेरे नाम पर नहीं था, उसका मोबाइल मैंने दूसरी जगह डिस्पोज किया है और बॉडी दूसरी जगह, मैं अपना डेली वाला फोन भी साथ लेकर नहीं गया था ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो। एंड उस पे इसकी बीवी लिखती है, बस 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 मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में नहीं जानना है, बस इतना पक्का है ना कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी, नहीं पक्का प्रॉमिस। एंड इस पे इसकी बीवी पूछ रही है, बाकी तुम कहाँ हो? बस घर ही आ रहा हूँ, अभी रोड पर हो? एंड उस पे ये बंदा लिखता है, हाँ तुम्हें कैसे पता? एंड इस पर इसकी बीवी लिखती है, आसपास कोई है तो नहीं? भाई व्हाट, ये ऐसा क्यों पूछ रही है? एंड उस पे ये लड़का लिख रहा है, नहीं यहाँ कोई नहीं है, सुनसान इलाका है। एंड उस पे उसकी बीवी लिखती है, कोई तो होगा वहाँ, ध्यान से देखो। क्या मतलब? एक्चुअली कुछ लोग हैं यहाँ। व्हाट, कौन है? उस पे इसकी बीवी लिख रही है, जानती हूँ। एंड ये पूछ रहा है, तुम कैसे जानती हो? एंड उसमें इसकी बीवी लिख रही है, जब गलती दो लोग करते हैं तो फिर सजा सिर्फ एक को क्यों मिले? जितनी गलती सनाया की थी उससे ज्यादा तुम्हारी थी। एंड उस पे ये लड़का लिखता है, तुम कहना क्या चाहती हो? एंड इसने एक फोटो भेजा हुआ है जिसमें लोग इसकी तरफ आ रहे हैं कुछ। ये सब आदमी कौन है? ये मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं? आई वॉट, क्या ये लड़की इसको भी मरवाना चाहती है? मैंने उस लड़की को तो अपने हाथों से मार डाला, लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है, इसलिए प्रोफेशनल किलर्स का सहारा लेना पड़ा। डोंट वरी, ये लोग तुम्हारे मर्डर को रॉबरी के जैसे सेटअप करेंगे और किसी का शक मुझ पर नहीं आएगा। और चिंता मत करना, हमारे बेटे को मैं यही बताऊंगी कि तुम एक अच्छे फादर थे, तुम्हारे घटिया हस्बैंड होने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। गुड बाय। भाई व्हाट, इस लड़की ने एक को मार दिया एंड दूसरे वाले को मरवा दिया। जी यार।
यार, लाइक ऐसा डरावनी थ्रिलर वाली लव स्टोरी थी। लाइक देखो, मेरे को लगता है कि अगर मारना ही था तो उस लड़की को मारने की जगह ये लड़का अपनी वाइफ को मारता ना यार। बट जस्ट अगर मारना था तो एक मैं तो बोलूंगा तीनों साथ में रह सकते थे। बट नहीं भाई, कहानी में ट्विस्ट थे, काफी अच्छे थे। लाइक दो तीन बार ऐसा हुआ है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो इसी के साथ आज की वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड मेरे को तुम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जिसका तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड या मैंने ये जिस क्लिप पे रिएक्ट किया है उसका चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम और सारी स्टोरीज देख सकते हो वहां पे जाके। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय।